हाँ तो गाइस पाकिस्तान पता क्या सीन है, 14 अगस्त आने से पहले, ईद आने से पहले भाई पहले स्वागत शुरू हो जाता है, हर तरफ नज़र आ रहा होता है भाई 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त आ रही, ईद आ रही है। कैसे हो चरी भरी अड़ी गड़ी में, यकीन आप सब लोग ठीक होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे, बिल्कुल महफूज होंगे। तो कैसे हो लोंडो यार, आप देख रहे हो एसएच व्लॉग्स। तो गाइस ये जो सा रेड कलर का बटन आ रहा है इसे प्रेस कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि आपको सबसे पहले मेरा व्लॉग मिलना चाहिए, ठीक है। तो गाइस सीन ये था कि यार मैंने ईद वाले दिन व्लॉगिंग करनी थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी सी, मैंने वीडियो बनाई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने अपलोड नहीं की, तो वो मेरे से डिलीट हो गई, तो अभी मैं वो डाल भी नहीं सकता बीच में। तो गाइस आज का वो सीन ये है कि मैंने जाना है कहीं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ लेता चलो, थोड़ा सा व्लॉग भी हो जाएगा। हर बार मैं यही बोलता हूँ कि थोड़ा सा व्लॉग हो जाएगा, मैंने सोचा व्लॉग भी हो जाएगा साथ साथ चले भी जाएंगे। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो लूँ, तो उसके बाद बाकी मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाना और क्या सीन है, बाकी सब कुछ बाद में बताएंगे ना, सब्र कर लिए अगर थोड़ा सा रेडी हो जाए, क्या ख्याल है? चलो रेडी हो जाते हैं। कि आप लोग यार देख लेते हो लेकिन शेयर नहीं करते व्लॉग, तो भाई शेयर भी किया करो व्लॉग, जितने नंबर है कितनी बार कहता हूँ कि जितने भी नंबर हों उन पर शेयर किया करो। तो चलो यार चेंज करके फिर बात, यार चेंज करने से पहले मुझे याद आ गया मैंने आपसे एक बात करनी थी। तो गाइस काफ़ी 3 व्लॉग हो गए हैं मैंने मोटो व्लॉगिंग नहीं की, मतलब बाइक पे जाके हेलमेट पे, ये जो सा हमारा गोप्रो और जो सा ये हमारा सारा सेटअप जो सा है वो मैं दोबारा आज कल ना कर लूँगा सेट, ठीक है ना। आगे आ रहा 14 अगस्त का सीन, तो मैंने सोचा यार 14 अगस्त वाले दिन लाहौर ना दिखाया तो कुछ ना दिखाया, 14 अगस्त वाले दिन आपको पूरे लाहौर दिखाऊंगा कि क्या सीन होगा लाहौर का, मेन जहाँ पे जाएंगे पूरा लाहौर कैसे दिखा सकता हूँ, तो मेन जहाँ पे जाएंगे आपको दिखाएंगे 14 अगस्त को क्या सीन होगा। क्योंकि पता है क्या बात होती है, बाइक पे आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, कैमरा कैसे बंदा पकड़ेगा, तो इसलिए ना ये जो सा कैमरा होता है हेलमेट पर लगा होता है, सारा कुछ कैप्चर होता रहता, तो ये बड़ा बेनिफिट होता है। तो आज इसे मैं सब कुछ सेट करके रख देता हूँ, ये हमारा हेलमेट है, पास ही हमने हेलमेट रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा हेलमेट है, यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है, यहाँ पे लगेगा। और उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, ये मुझे मंगवाने में बहुत टाइम लगा था, ठीक है, ये है इसका अडोप्टर, ठीक है, इसके साथ लगता है, इसके साथ माइक लगता है, उसके बाद आवाज़ रिकॉर्ड होती है। तो गाइस आज ये सारा सेटअप मैं कर लूँगा, उसके बाद हम आपको 14 अगस्त वाले दिन मोटो व्लॉगिंग करके दिखाएंगे, बस ज़िंदगी रही तो ज़रूर, कोई काम ना पड़ा, कुछ हो ना जाए, बस बाकी मैं अपनी ज़ुबान पे रहूँगा। तो गाइस अभी मैंने बता दिया कि क्या सीन, हाँ तो इसके अलावा किसी के माइंड में ये सवाल है कि यार ये कैसे होता है, सब कुछ कैसे कहाँ से मिलता है, ये कैमरा क्या चीज़ है, तो मुझे कमेंट में बताना, बस अगले व्लॉग में बता दूंगा। तो गाइज अभी सीन ये था, हम चेंज करने लगे थे तो हम बैठ गए यहाँ पे आके, तो अभी चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा देर हो जाएगी। हाँ तो गाइज बिना बकवास के आओ यार, रेडी होते हैं, चलो अभी मैं आ चुका हूँ रेडी, तो रात का बहुत टाइम हो चुका है, नीचे बार बार बुला रहे थे, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को पहले बता दूँ यार, तो काफ़ी देर हो गई, 7-8 बज चुकी हैं, तो मैंने कहीं किसी के घर जाना था, तो मैंने सोचा साथ साथ ब्लॉगिंग हो जाएगी, काफ़ी देर हो गई थी यार ब्लॉग बनाए हुए, मैं एक ब्लॉग फेंकता हूँ और हफ्ता दो हफ्ता नहीं ब्लॉग करता तो ये चैनल के लिए अच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा यार आज एक ब्लॉग बना दूँ, कहीं जा रहा हूँ तो रास्ते में आपसे बातचीत भी होती रहेगी और ब्लॉग भी बन जाएगा और हमारा चैनल जो सा है वो ऊपर थोड़ा सा चले जाएगा। मुझे नहीं लगता जल्दी जाने वाला, आप शेयर तो करते नहीं हो और लाइक भी नहीं करते, लाइक आ जाते हैं शेयर नहीं करते यार, तो शेयर किया करो यार थोड़ा सा। तो यार सीन ये था कि अभी निकल रहे थे तो मुझे नीचे आवाज़ें दे रहे थे चलो आओ आओ, पहले मैंने सोचा यार पहले आप लोगों को बता दें और फिर निकलते हैं बाद में। तो गाइज अभी सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ और रास्ते में जो भी होगा आपके सामने होगा, कोई चीज़ आपसे छुपी नहीं होगी, पहले कौन सी छुपती है यार आपके सामने होगी, तो टेंशन मत लेना और चलते हैं अपनी वीडियो आगे शुरू करते हैं, साथ साथ जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर दिखाएँगे आपको और उसके अलावा रास्ते में बातचीत होती जाएगी। चलो यार चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, अभी अपना आगे ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मैंने सोचा था तो मोटो ब्लॉगिंग कर लूँ लेकिन मेरे पास कुछ सामान नहीं था, तो जिस वजह से मैं मोटो ब्लॉगिंग आज नहीं करूँगा। तो यार अगली वीडियो में इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर लंच है तो आपको मोटो ब्लॉगिंग देखने को भी मिलेगी, ठीक है ना। तो बस अभी सीन ये है कि काफ़ी देर हो चुकी है, अभी निकलते हैं, बस टाइम हो गया तो चलें, आगे गाड़ी में बैठ के बात होती है आपसे, चलो यार चलते हैं। हाँ तो कहीं सीन ये था कि आप जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा एक कार्ड बनने गया हुआ था, तो कार्ड सीन ये है कि कार्ड बन के आ चुके हैं, ये देखो ओहो पिक्चर नहीं दिखानी, ठीक है। और उसके अलावा यार जो सी लाइट जलाई हुई है गाड़ी की तो उसकी रोशनी इतनी सी है, तो गुजारा कर लो। ये हमारे साथ थोड़े से हमारे कज़न बैठे हुए हैं,
आगे भी कजन बैठे हुए छुटकू। तो गाइज अभी सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं, बाकी रास्ते में बात होती है, अभी निकले हैं। तो सीन ये है कि रात के अंधेरे में ब्लॉगिंग थोड़ी सी सही नहीं होती, तो गुजारे लाइक हो रही है, तो माफ कर देना अगर नहीं सही हुई। तो सीन ये है कि अभी मैं कैमरा ऑन नहीं करना चाह रहा था, इन्होंने करवाया। तो क्या कहना चाह रहे हो भाई? हाँ तो गाइज आज हमारा चैनल आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है गाइस, मैंने नहीं कहा इन्हें, ये खुद कहना चाह रहे थे, खुद कहना चाह रहे थे ना। हाँ जी गाइस। और ये भी हमारे एक छुटकू कजन है, क्या कहना चाह रहे यार? पहले मुझे कहता है यार कैमरा ऑन करो, मैंने व्लॉग में आना, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया, अब देखो कैसे छुप छुप रहे है यार। लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक्स भी करना है और सब्सक्राइब भी, क्या कहता था तुमने? सब्सक्राइब भी, सब्सक्राइब भी करना है, बच्चे की बात मान के सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब कर लेना। हाँ तो गाइस अभी हम जा रहे थे, रास्ते में थे, तो भाई ने मुझे कहा कि कैमरा ऑन करो, मैंने आज बात करनी है ऑडियंस से, तो मैंने कहा ठीक है भाई कैमरा ऑन कर लेते हैं। तो अभी रास्ते में है तो जाके बाकी बात आगे नहीं है कि अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे आना था, तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं कर रहा, बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं करते, तो यहाँ पे बैठे हुए थे तो वेट कर रहे थे खाने का, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लीजिए। तो अभी सीन ये है कि यहाँ से निकलेंगे, आगे पता नहीं क्या होगा, आगे जो होगा आपके सामने होगा। तो गाइस अभी तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं, मेरे पास कोई नहीं था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ब्लॉगिंग कर लूँ। तो बस यही सीन है कि अभी निकलेंगे, उसके बाद आपको बताऊँगा आगे क्या करना है। अभी तो ये देखो बार बार ब्लॉगिंग के चक्कर में ना मेरे पास आके बैठ जाता है, तो देखो ये भी है। हाँ तो अभी ये सब लोग बैठे हुए हैं, जो सब्सक्राइब वाला बंदा है ना, ये बार बार मुझे तंग कर रहा है, ब्लॉगिंग करो वरना मैं नहीं करने वाला। अभी यहाँ से निकल के आगे बात ही नहीं है कि अभी हम घर से बाहर निकल चुके हैं और वापस जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दें कि हम निकल चुके हैं, यहाँ से निकलेंगे अभी, रास्ते में स्टॉप हुआ तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइज अभी जा रहे हैं, ये बंदा मुझे आज ब्लॉगिंग नहीं करने देगा, ये पक्का, ये बंदा आज मुझे ब्लॉगिंग नहीं करने देगा, बार बार कैमरे के अंदर घुस जाता है। भाई क्या बोलना है तूने, बोल ले यार। मैंने नहीं कुछ बोला। नहीं बोलना, चलो यार बस ये देखने आता है कि क्या है, क्या कर क्या रहे हैं मेरे भाई। तो भाई कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सा बोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, चलो आज चल रहे हैं चलो। हाँ तो भाई सीन ये थी, अभी हम यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे ना कॉर्न बड़ी मशहूर थी, तो मैंने सोचा यहाँ से कॉर्न खाते जाएँ। तो भाई अभी हम यहाँ से कॉर्न लेंगे और आगे चलेंगे, तो पहले ले लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। बहुत देखो रश बहुत है यहाँ पे, सीन ये हुआ कि अभी मैं आ चुका हूँ घर में वापस। तो भाई कुछ ऐसा सीन था कि दो दफ़ा मैंने की रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, कैमरा ऑन किया और बोला जो भी बोलना था, तो बाद में मैंने जब अब आके घर में देखा ना, तो मैंने क्या देखता हूँ कि भाई वहाँ पे स्लो मोशन में हुई मेरी रिकॉर्डिंग। तो भाई मेरा दिमाग हिल गया यार, मुझे इतना गुस्सा आया, मुँह से मेरा निकल गया वद यहाँ पे खामोश हो जाओ। तो भाई गुस्सा इतना आ चुका था मुझे, तो क्या कर सकते हैं, हो गया जो होना था, गलती भी अपनी थी, जल्दी में मैंने वीडियो बना ली, देखा ही नहीं स्लो मोशन में कि नॉर्मल वीडियो, तो गलती भी अपनी है, क्या कर सकते हैं। तो अभी सीन ये है कि अभी हो चुके हैं रात के 12:30, तो अभी यहाँ पे व्लॉग छोड़ते हैं, मतलब व्लॉग शुरू करेंगे सुबह उठ के करेंगे, यहाँ पे अभी व्लॉग ख़त्म करते हैं, सुबह फिर बात करते हैं, ठीक है, अभी लगाऊँ मैं सोने, फिर ठीक है सुबह बात करते हैं आप लोगों के से, बाकी व्लॉग सुबह शुरू करेंगे, ठीक है चलो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रात को हमें घर आए काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने व्लॉग वहाँ पे छोड़ दिया था, तो मैंने कहा था सुबह बाकी का व्लॉग शुरू करेंगे। तो गाइस अभी सीन ये है कि मैं उठा हूँ थोड़ी देर पहले और मैंने ये काम किया कि इसे पहले इसे सेट किया मैंने, ये हमने अपना सेट कर लिया, ये देखो यार। अभी मैं चाह रहा था कि मैं एक दफ़ा इसका टेस्ट कर लूँ कि मैं ब्लॉगिंग करूँ उसके दरमियान में ये प्रॉब्लम ना करे, तो इससे पहले मैं एक ट्राई कर लूँ। तो मैंने सोचा यार आप लोगों को साथ लेके चलते हैं, आपको भी दिखा दे कि सही चल रहा है कि नहीं सही चल रहा, अगर सही चल रहा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो अच्छा है, अगर नहीं होगी तो अभी हमें थोड़े दिन हैं हमारे पास 14 अगस्त के 2-3 दिन, तो उन दिनों में हम इसे ठीक कर लेंगे, तो और क्या हो सकता है, ठीक ही करना पड़ेगा। तो गाइज इसकी हमें शदीद ज़रूरत है, और मोटो ब्लॉगिंग आप लोगों को काफ़ी लोगों को पसंद भी है, तो इसलिए हमें यह सही करवाना लाजमी है। तो गाइज चलो आओ यार अपनी एक ट्राई करके आते हैं, उसके बाद आपको आके अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, ब्लॉग काफ़ी लंबा ना हो जाए। हाँ तो यार गाइज चलो यार बिना बकवास। हाँ तो गाइस ये देख रहे हो यार, काफ़ी दिन बाद बाहर निकाल लिए, तो कितनी गंदी हो चुकी है। चलो यार एक हम ट्राई करके आते हैं कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे।
काफी देर बाद ये बाइक निकाली है मैंने। सोचा तो मैंने ये था कि भाई सर्दियों में निकालूंगा ये वाली बाइक, मतलब जब थोड़ा सा हेलमेट पहनने से गर्मी नहीं लगेगी तब निकालूंगा। मेरा अभी भी इरादा था कि मैं ना क्या करूं कि धूप ख़त्म होती है शाम के वक्त जाके ये टेस्ट करूं, लेकिन भाई व्लॉग डालना था मैंने जल्दी, तो मैंने सोचा यार नहीं नहीं यार अभी जाता हूं और वापस आके फिर व्लॉग ख़त्म कर लूँगा। तो अभी जा तो रहा हूँ, ये देख लो अगर वॉइस में मसला आए या फिर कोई वीडियो में मसला आए तो नीचे कमेंट में कर देना, बता देना। अभी जा रहा हूँ बस, अभी तो कोई मसला नहीं कर रहा, लेकिन जाएं वहाँ पे ब्लॉगिंग करने वहाँ ना मसला करे, बस ये प्रॉब्लम है। तो बस चल रहे हैं। गर्मियों में ना मोटर ब्लॉगिंग करने का एक ही नुकसान है, मतलब जब हेलमेट उतारता है ना तो भाई ऐसा लगता है भाई अभी अभी नहा के आया। भाई मुझे तो वैसे भी बहुत पसीना आता है, और 14 अगस्त को करेंगे मोटर ब्लॉगिंग और उसके बाद देखेंगे कि ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। पिछले 3 व्लॉग में मुझे ज़रूरत तो नहीं पड़ी मोटर ब्लॉगिंग की, तो बस देखते हैं क्या होता है। तो भाई काफ़ी देर बाद कैमरा निकाला, भाई धूल मिट्टी हर तरफ जमी हुई थी। ये जो उनसे आपको कल मैंने डॉक्टर दिखाया था तो ये मुझे बहुत ही मुश्किल मिला था, तकरीबन 3 महीने बाद आया था ये मुझे, और पाकिस्तान में मुझे ये नहीं मिला था, मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ा था, बाहर से वेट करना पड़ा कब आता है कब नहीं आता। तो ये भी कुछ ऐसे ही भरा हुआ था, धूल मिट्टी लगी हुई थी, बहुत गंदा सीन हुआ भरा था। तो बाकी चला के देखा मैंने, चल गया तो अच्छी बात है यार, फिर नया मंगवाना पड़ता, बहुत देर हो जानी थी। हम तो कह पाकिस्तान पता क्या सीन है, 14 अगस्त आने से पहले, ईद आने से पहले भाई पहले स्वागत शुरू हो जाता है, हर तरफ नज़र आ रहा होता है भाई 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त आ रही, ईद आ रही है। भाई लाहौर में बराना अच्छा सीन हो जाता है। तो गाइज़ अभी घर पहुंचने वाले हैं हम, वहाँ पे जाके आपको मैं क्या कहते हैं खुदा हाफिज़ बोलूँगा, और ये ब्लॉग शायद आज ही मैं एडिट करके अपलोड कर दूँ, अभी देखूँगा, आज ही मेरे ख्याल से करूँगा यार, काफ़ी देर हो गई है ब्लॉग अपलोड किए हुए, तो आज ही आएगा ये ब्लॉग, बस सोच लिया मैंने, सोच लिया। हाँ तो गाइज़ अब वापस घर आ गए अपने, और गाइज़ अभी हम मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और गाइज कंजूसी ना किया करो, लाइक देने में लाइक कर दिया करो और शेयर ज़रूर किया करो, जितने भी हो सके शेयर करो। और अगली वीडियो में मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, और अब मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।